नमस्कार व्यूअर्स, आज का वीडियो से हम डिस्कस करेंगे असम पुलिस एबी एंड यूबी कांस्टेबल इंटरव्यू जो सिलचर पुलिस परेड ग्राउंड पे हो रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले यानी सिलचर पुलिस परेड ग्राउंड पे फर्स्ट डे जो इंटरव्यू हुआ था 13 सितंबर फीमेल इंटरव्यू, उस दिन कोई भी कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे सिलेक्ट नहीं हुए थे। एक्सपेरिमेंटली 200 कैंडिडेट में से कोई भी कैंडिडेट सिलेक्ट हो नहीं पाए। इसका वजह आप लोगों को पता होगा शायद, इसके ऊपर हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल तक चर्चा हो रहा है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी इसका रिपोर्ट दिखाया गया है। इसके बाद सिलचर पुलिस परेड ग्राउंड को चेक किया गया पुलिस अधिकारी के द्वारा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। फिर देखा गया कि फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रहता, इसके वजह से कैंडिडेट टाइम से पहले 1600 मीटर कंप्लीट कर नहीं पाए। फिर ये रेत को हटा दिया गया है, इसलिए सेकेंड डे यानी 14 सितंबर पे फीमेल कैंडिडेट का इंटरव्यू हुआ है। उस दिन बहुत सारे कैंडिडेट ने 1600 मीटर कंप्लीट कर पाए टाइम से पहले, क्योंकि रेत को हटा दिया गया है एंड अभी भी ये इंटरव्यू चल रहा है सही तरह से। लेकिन 13 सितंबर पे जो इंटरव्यू हुआ है इन सब कैंडिडेट के साथ बहुत बुरा हुआ है। इन सब कैंडिडेट का कहना है कि रेगिस्तान जैसा फील्ड का कंडीशन बना दिया गया है, इसलिए इन सब कैंडिडेट 1600 मीटर कंप्लीट करने पाए टाइम से पहले। तो इसके बाद 13 सितंबर पे जो जिन लोग के फीमेल कैंडिडेट थे इन सब मिलकर एसपी ऑफिस डीसी ऑफिस एंड 6 एपी बैटालियन पे अपने एप्लीकेशन सबमिट किया कि इन लोगों का इंटरव्यू दोबारा लिया जाए। जैसे नेक्स्ट डे से जो इंटरव्यू चल रहा है अभी तक, यानी जो इंटरव्यू चल रहा है सेम उसी तरह इन लोगों का इंटरव्यू लिया जाए। तो इस वीडियो की लास्ट में इन सब कैंडिडेट का कुछ बयान मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ओके। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हनरेबल रिक्रूटमेंट इंचार्ज को ताकि इन लोगों का एप्लीकेशन का रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाए एंड इन लोगों का इंटरव्यू दोबारा लिया जाए और इन लोगों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी टेस्ट असम के अंदर बाकी जो कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जा रहा है सेम उसी तरह इन लोगों का भी इंटरव्यू लिया जाए। तो मैं इसी वीडियो के द्वारा 13 सितंबर पे जिन लोग फीमेल कैंडिडेट थे इन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर 13 सितंबर में से कोई भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। आप सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्कस करने के लिए, ओके। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, ओनली 13 सितंबर से जो कैंडिडेट है सिर्फ इन लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट इस ग्रुप में है एंड डिस्कस भी कर रहे हैं, ओके। तो आई होप आप सबका इंटरव्यू दोबारा लिया जाए ताकि आप सब अपना टेस्ट सही तरह से दे पाए। थैंक यू। तो इन लोगों का बयान सुनिए। मतलब हमारा प्रधान प्रॉब्लम यही है कि 13 तारीख को हमारा रिक्रूट था, लेकिन वहाँ पे सारा रेत गर्म होने की वजह से ना ही हम दौड़ पाए हैं और ना ही हम खड़े हो पा रहे थे। तो हमारा प्रॉब्लम यही है कि नेक्स्ट डे को जब हमारा रिक्रूट ख़त्म हो गया था 14 तारीख को रेत क्यों हटाया गया था, और हटाने के बाद उन लोग का पास जो हुआ था जितना लोगों भी पास हुए हैं। तो हमारा ऑब्जेक्शन यही है कि अगर रेत था तो हम लोग की वजह से रेत क्यों हटाया गया था। पहले वाले में हम लोग को रेत में दौड़ाना पड़ा, फिर उसके बाद में जो था वो रेत में क्यों नहीं दौड़ाया। हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि हमारे री करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतना धूप में हो इतना मतलब कि सहन करके हम लोग उस दौड़ तक पहुंच पाए, लेकिन नेक्स्ट पे जो वो लोग रेत मतलब कि हटाने के बाद जो रिक्रूट करवाया था वो फिर से हम लोग का भी री होना चाहिए। हम लोग पोस्ट तो एवी और यूवी का हम लोग उसमें मतलब कि अप्लाई किए थे, फिर हम लोग का ये री हुआ था, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस ये प्रॉब्लम जो है हमारी सबका प्रॉब्लम है कि नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। और हम लोग चाहते हैं चाहे डीएसपी का हो चाहे आईपीएस का हो के पास तक भी जाएंगे, लेकिन हमारा यही उद्देश्य है और यही हम लोग चाहते हैं कि हमारा फिर से रिक्रूट होना पड़ेगा। और हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक हम लोग को री करने को नहीं मिल जाता, तब तक लड़ेंगे हम लोग। हम लोग 175 प्लस थे, 175 मतलब कि नियर बाय हम लोग 200 कैंडिडेट थे वहाँ पे। और सबका ऑब्जेक्शन यही है कि 200 कैंडिडेट के होने के बावजूद भी हम लोग एक भी क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं। तो मतलब एक ही रीज़न है बस रेत की वजह से, वो सैंड उस फील्ड में से हटाना पड़ेगा, और हटाने के बाद हम लोग को दोबारा हम लोग को री करना पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब कि जो नेक्स्ट डे हम लोग तो 13 को दिए थे मतलब कि रिकॉर्ड, उसके बाद में 14 तारीख को फिर से करवाए थे। 14 तारीख को जिसने भी किया था उसमें से कई सारे मतलब कि एक लोग हो, दो लोग हो, तीन लोग हो, काफ़ी सारे हुए हम लोग को मिला सुनने में मिला ऐसे। तो हम लोग भी चाहते कि हमारे भी री हो, क्यों नहीं हो वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें चाहिए री एकुट। यहाँ पे नरी भूमि चलंगा इरा सरनी डीसी को यहाँ पे हम लोग
क्या बोला, क्या दिया है? नहीं, अंदर में गए थे, मतलब कि सीनियर लोग गए थे, तो जाके सर ने बोला कि ठीक है हम लोग एक्शन लेंगे, इसके आगे वो लोग बाद में इन्फॉर्म करेंगे, ऐसे बोले गए हैं अंदर। हमारा डिमांड यही है कि हमें फिर से चांस मिले, सेकेंड चांस हमें चाहिए ही चाहिए। ना दिया जाए तो ये देखो उन लोग का, और अगर ना दिया जाए तो हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे बाद में, रेत क्यों हटाया गया है? रेत अगर ना हटाने के बावजूद अगर उन लोग का ना होता तो हम लोग मान लेते, चलो ठीक है, लेकिन रेत हटाने के बाद तीन लोगों का, चार लोगों का ऐसे कर करके काफ़ी सारों का आज क्वालिफाइड हो गया है। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी उतना ही मेहनत किए हैं जितना हमें करना चाहिए, उससे भी डबल किए हैं। हम लोग धूप में दौड़े हैं, पत्थर में दौड़े हैं, रेत में, इतना गर्मी था उस टाइम पर, फिर भी हम लोग हार ना मान के वहाँ पर दौड़े हैं सभी ने। तो हम भी चाहते कि हमें दोबारा से बिना रेत में दौड़ना चाहे तो हम दौड़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सब साथ होंगे। देखो एक लोग अगर बोलते हैं तो उसमें अगर 10 लोग भी बोले तो वो उसको एक्शन करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि इस पे एक्शन लिया जाए। हमारा प्रॉब्लम यही है कि रेत में अगर दौड़ाना पड़े तो चलो ठीक है, नेक्स्ट बैच को भी तो रेत में दौड़ना पड़ रहा था, तो उन लोगों को क्यों रेत में नहीं दौड़ाया है, क्यों रेत में नहीं दौड़ाया है? हम चाहते हैं कि हमें भी रेत छोड़ के दौड़ाना के लिए मजबूर करें उन सबको।